डॉक्टर रवि, अब एक क्वेश्चन लॉकडाउन पे और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस वक्त हम सब लॉकडाउन में हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। अब लॉकडाउन से बाहर निकलना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो मेरा सवाल ये पॉलिटिकल नहीं है, सोशल नहीं है, वो भी मेडिकल ही है एक्चुअली। लेट्स पुट दिस वे कि अगर हमने ये पहले 21 दिन का लॉकडाउन था, उससे फिर वो 40 दिन का हो गया। मैं ऐसा कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल, इसलिए मैंने कहा था कि अगर 4 महीना हम लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर देते हैं और तरीके से करते हैं, तो क्या 4 महीने बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमें अब COVID-19 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? अब सवाल आता है कि अगर हम लॉकडाउन को 4 महीने तक और एक्सटेंड कर दें तो क्या हम कोविड से निजात पा सकते हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। लॉकडाउन का एक अपना पर्पस होता है जिसके लिए लॉकडाउन किया जाता है, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को प्रिपेयर कर लें, हम अपने हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर लें, हम वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर लें, हम पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स या इन सब चीजों की वो कर लें, और एपिडेमिक का जो फैलने का वो है वो थोड़ा कम हो जाए। ये पर्पस होता है लॉकडाउन का। जब लॉकडाउन का पर्पस सर्व हो जाता है तो ग्रेडेड वे में लॉकडाउन खोला जा सकता है या वैसे खोला जा सकता है। अगर हम केवल ब्लाइंडली 4 महीने लॉकडाउन कर दें और बाकी एक्टिविटीज को बंद कर दें, जैसे टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, आइसोलेशन है, ये सब है, तो कोविड खत्म होने वाला नहीं है। तो बेस्ट चीज इसमें यही रहती है कि लॉकडाउन को फाइन ट्यून करके हमारे को देखना चाहिए कि लॉकडाउन जो है वो हमारे को हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, सिचुएशन को देखने के बाद में, डाटा को देखने के बाद में, फिर हमारे को डिसीजन लेना चाहिए कि लॉकडाउन बंद करें या वो करें। इसके ऊपर हमारी बिल्कुल एक पैनी नजर होनी चाहिए और उसके हिसाब से लॉकडाउन को एक्सटेंड या कमती बढ़ती किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंडली उसको 4 महीने के लिए बंद कर दें। लॉकडाउन करने से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।